पुष्या कहता है बेशक वो मेरे ब्यूटी के पीछे है, वो चाहता था मैं उसके साथ सोऊं, लेकिन मैंने मना किया। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगा क्या कांड है, रिन्नू बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मतलब कि रिन्नू बिल्कुल भी बुरा नहीं है, फिर वो वैसा कैसे कर सकता है। पुष्या कहता है बहुत हो गया छोड़ो, काम पे वापस ध्यान देते है। जिन कहता है इस न्यूज के वजह से कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आ रही है, ऊपर के लोग खुश नहीं है और वक्त बर्बाद कर रहा है। तो फुशो कहता है जाओ इस मामले में ढक्कन लगा दो, ऊपर के लोगों को एक्सप्लेन मैं करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ इन सब के पीछे कौन है। फिर रात को लोग बार में थकान दूर कर रहे थे, तभी वहाँ का दरवाजा खोला और एक लड़की ने एंट्री किया, जिसे देखकर वेटर भी देखता रह गया और उसका चेहरा लाल पड़ गया। सिर्फ वही नहीं, वहाँ मौजूद हर लड़का लट्टू हो चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग जिसके ऊपर लट्टू हो रहे थे वो लिनमू था। लोगों की तरफ बिना नजर किए अंदर एंटर करने के बाद लिनमू ने रुककर राहत की सांस छोड़ा। वहाँ उसे देखकर एक पर्सन को धक्का लगा, क्योंकि लड़की के गेटअप में वो इतना ब्यूटीफुल जो दिख रहा था और किसी को पता भी नहीं चल रहा था वो एक लड़का है। फुशो एक लड़की के साथ वही था, असल में ये चोर को पकड़ने के लिए फुशो का ही प्लान था और यहाँ वो एक प्ले बॉय का रोल निभा रहा था। लिनमू को देखकर वो कहता है तुम आ गई। उसने खड़ा होकर लिनमू को अपने साथ खींचकर बिठाने के बाद कमर से पकड़ लिया। फिर उसने सोचा हाँ ये सही है, मतलब कि एक प्लेबॉय का नाटक करने के लिए ऐसे हरकतें करना सही है। इधर लिनमू भी सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम देख रहे हो कि मैंने फिर से वुमेन्स के कपड़े पहना है। फिर वो कहता है तुम क्या कर रहे हो। फुशो कहता है क्योंकि हम आज शो कर रहे हैं इसलिए हमें इसी तरह काम करना होगा, क्या तुम कर सकते हो, कोऑपरेट करो प्लीज। लिनमू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सोचने लगा मैं इतने इंपल्सिवली इस तरह के रिक्वेस्ट पे कैसे एग्री हो गया। हुआ ये था, ऑफिस में लिनमू फुशो से माफी मांगते हुए कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने कल बहुत ज्यादा पी लिया और मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, कैसे किसी ने वो पिक्चर खींचा। कुछ पल के खामोशी के बाद फुशो कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं है तुमने मुझसे क्या कहा था। लिनमू कहता है क्या मैंने कुछ कहा था। फुशो ने उस वक्त को याद किया जब लिनमू ने उससे कहा था गॉडेस मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। ये सोचने के बाद वो कहता है कुछ नहीं। लिनमू सोचने लगा मैं इतने नशे में नहीं हो सकता कि मैंने फुशा को गले लगाया, क्या मैंने, ये बहुत अजीब होगा। फिर वो कहता है ये मेरा गलती है कि मैं नशे में था। तो फुशा कहता है खुद को ब्लेम मत करो, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। लिनमू कहता है ही तुम कह रहे हो किसी ने हमें फॉलो किया। फुशा कहता है ऐसा ही लगता है। लिनमू ने याद किया उसने फोटो स्टूडियो में आंखों के कोने से किसी को देखा था। फिर वो कहता है ओह फोटो स्टूडियो में मुझे ऐसा लगा था कि कोई मुझे देख रहा है लेकिन मैंने उसे दिल पे नहीं लिया, क्या कोई पहले से ही हमें देख रहा था। फुशो कहता है मुझे भी डर है, ऐसा लगता है वो पर्सन हमारे पीठ पीछे हमारा पीछा करने का प्लान बना रहा है, ऐसा लगता है वो मेरे ऊपर कुछ गंदगी चाहता है। लिनमू कहता है ये प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि मैं नशे में था, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बस मुझे बताओ। सोचने के बाद फुशो कहता है उस केस में मैंने एक आइडिया सोचा। वो बिना आइडिया बताए मुस्कुराने लगा। लिनमू उसे इस तरह देखकर सोचता है मुझे इस बारे में बुरा महसूस क्यों हो रहा है। ये सब सोचने के बाद प्रेजेंट में वो सोचने लगा सिर्फ वही सोच सकता है कि मुझे उसके साथ शो में जाने के लिए एक वोमेन की तरह तैयार किया जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस पिक्चर के लिए लिनमू ने खुद को दोषी माना तो वो मना नहीं कर सकता। एप्पल का एक पीस खाने के लिए फुशाव लेते हुए कुशन भरी नजर से उसे देख रहा था। पास बैठी लड़की वाइन देते हुए कहती है कम ऑन मिस्टर फू ये आपके लिए। फुशो ने कोई जवाब नहीं दिया, वो एप्पल खाने लगा। लड़की निराश हो गई और लिनमू बिना कुछ कहे फुशो को देखता रहा। वो सोचने लगा कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या तुम नहीं जानते कि कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारा एक्ट गिर रहा है। जैसे ही फुशो ने उस पर नजर किया वो मीनिंगफुल नजर से वाइन को एक्सेप्ट करने का इशारा करने लगा। तो फुशो कहता है मैं वो नहीं चाहता, तुम मेरे लिए एक डाल सकते हो। लिनमू कोई जवाब नहीं दे पाया, वो स्पीचलेस हो गया। फिर वो डालते हुए सोचने लगा कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। डालने के बाद वो देते हुए कहता है ये इसे पी लो। फुशो ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुराने लगा। लिनमू फिर सोचने लगा तुम कर क्या रहे हो। फुशो उसे चीन से पकड़ के कहता है अच्छी तरह करो। लिनमू सोचने लगा उफ ऑल राइट ये सिर्फ एक एक्ट है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर वो गालियों के साथ सोचता है मैं इसे करने वाला हूँ। उसके बाद वो कहता है माय डार्लिंग प्लीज इसे पी लो। लिनमू इतना अच्छे से कहेगा फुशो ने ये उम्मीद नहीं किया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। लिनमू सोचने लगा चल क्या रहा है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। वो फुशो को ही झांकता रहा, फुशो भी उसे ही देखे जा रहा था। वो मुझे डरा रहा है, वो मेरा रोंगटे खड़े कर रहा है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। फिर वो खुद ही पिलाते हुए कहता है मुझे तुम्हें पिलाने दो। पूरा पिलाने के बाद उसने ग्लास को रखा। फुशो उसे कमर से पकड़ के कहता है मेरे साथ आओ, मुझे क्यों जाना चाहिए, क्या मैं नहीं कर सकता,
मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। लोग तो देख रहे रह गया कि वाह। दूसरी तरफ जाकर दरवाजा बंद करने के बाद लिनमू कहता है, क्या तुम्हें मुझे अपने 2% एक्ट में घसीटना पड़ा? फुशो चुप रहने को इशारा करते हुए कहता है, 2% हमें फॉलो कर रहा है। वो लिनमू को लेकर जाने लगा। पीछे से 2% उन दोनों पर नजर रख रहा था। लिनमू कहता है, आगे क्या करेंगे? फुशो कहता है, बस मेरे साथ एक्ट करते रहो। उसने लिनमू को और टाइटली पकड़ लिया। फिर वो कहता है, बेबी तुम सच में ब्यूटीफुल हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये सुनकर तो लिनमू का फटने लगा।